हेलो नमस्ते, आज बात कर लेते हैं बच्चों के स्पीच प्रोडक्शन के लिए वोकैबुलरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और हम क्या कर सकते हैं वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज बात कर रही हूँ वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड स्पीच प्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वोकैबुलरी के 4 टाइप्स होते हैं, क्या आपको याद है? अगर नहीं है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को जाकर देखें। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहीं पे कि 4 टाइप्स क्या क्या है। लिसनिंग वोकैबुलरी, राइटिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी एंड रीडिंग वोकैबुलरी। लिसनिंग एंड रीडिंग वोकैबुलरी को रिसेप्टिव वोकैबुलरी बोला जाता है क्योंकि उसमें जो है समझने का ही है, एक्सप्रेस करने का नहीं है। और बाकी दो जो है राइटिंग एंड स्पीकिंग वोकैबुलरी, उसको एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी भी बोलते हैं क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन आ जाती है, हाउ विल यू एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वोकैबुलरी की वीडियो देख लें और ये वाली वीडियो भी जरूर देखें। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज एज वाइज जो है डेवलप होता है टाइम टू टाइम। स्पीच तभी डेवलप हो पाती है जब भरपूर लैंग्वेज हो ब्रेन में और जो वर्ड्स हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर पाए, जिससे हम लिख पाए या जिससे हम गेस्चर कर पाए या जिससे हम बोल पाए, वो सारे वर्ड्स जो है ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद रहने चाहिए, तभी बच्चे जो है बोलेंगे। ऐसे बहुत रिसर्चेस हुए हैं जहां पे बच्चों को 2 फैमिलीज में इंटरचेंज कर दिया गया है और देखा गया है उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कोई बच्चा अगर तेलुगु फैमिली में बॉर्न हुआ है और उसको दे दिया पंजाबी फैमिली में और वहीं पे कुछ महीने जो है वहीं पे रहने दिया और पंजाबी में ही उसका लैंग्वेज एक्सपोजर भी हो रहा है, तो वो तेलुगु नहीं सीखेगा, वो पंजाबी सीखेगा क्योंकि उसका जो शुरुआत से लैंग्वेज एक्सपोजर जो हुआ है, उसके जो वर्ड्स एक्सपोजर हुए हैं वो पंजाबी है और तेलुगु उसको पता ही नहीं होगा क्योंकि तेलुगु तो उसने सुना ही नहीं। जो भी लैंग्वेज एक्सपोजर बच्चे को मिलता है वही बच्चा सीखता है, इसीलिए लैंग्वेज स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। एक हेल्दी टॉकिंग लिसनिंग एक्सपोजर देना बच्चे को बहुत जरूरी है। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज बताना चाहती हूँ जो कि रियल स्टोरी है और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज जो है ऑलरेडी मौजूद है। तो एक पिता एक बच्चे को लेके रहता था। बचपन में जैसे होते हैं बच्चे रोते रहते हैं, शरारती करते रहते हैं, तो पिता जो है उस बच्चे को रूम में बंद करके रखता था जहाँ पे धूप नहीं आती थी, बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं है, सिर्फ पिता रात को आता था और खाने को देता था और बाकी पिता जो है सो जाता था। तो बच्चे ने कभी कुछ सुना ही नहीं, बच्चे ने कभी कुछ देखा ही नहीं बाहर का, वो रूम ही जैसे बच्चे की दुनिया बन गई, वो अंधेरा ही जैसे बच्चे की दुनिया बन गई। अब ये बात नहीं है कि पिता कैसे थे, वो तो बाद की बात है, उस पे तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे का एट लास्ट क्या हुआ ये जरूर इम्पोर्टेंट है। रहते रहते 10 से 15 साल गुजर गए और बाहर वालों को ये अंदाजा तक नहीं था कि घर में कोई बच्चा भी है क्योंकि पिता जो है एकदम मिलनसार नहीं थे, अकेले वो भी अकेले रहना पसंद करते थे। तो एक दिन जो है पिता की मौत हो गई और तब बाहर वालों को पता चला कि घर में कोई बच्चा भी है। जब उन्होंने पुलिस और सोशल वेलफेयर को इत्तला की कि हाँ घर में कोई बच्चा भी है, उसको क्या करें, तो उन्होंने जो है जब उसको रूम से निकाला तो वो बहुत ही डरा सहमा हुआ था, उसको कुछ अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है और उसको कुछ अंदाजा नहीं कि क्या बोला जा रहा है, वो किस तरह से एक्सप्रेस करेगा वो नहीं जानता है, ना तो वो कुछ समझ पा रहा है ना तो वो कुछ बोल पा रहा है। यहाँ तक कि जब उसे उसका नाम पूछा गया तो वो भी वो नहीं बता पाया, शायद उसका नाम उसे पता ही ना हो क्योंकि नेम कॉलिंग कभी किसी ने की ही नहीं। ऐसी और भी बहुत सारी अजीबोगरीब स्टोरीज हैं जो कि बताता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एक्सपोजर। टार्जन की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि एनिमल्स के साथ रहते रहते उसने वही लैंग्वेज सीख ली।
ये स्टोरी होते हुए भी बिल्कुल लॉजिकल है। तो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी को सीखें कैसे, वोकैबुलरी को बच्चों को सिखाना कैसे है। वोकैबुलरी बिल्डिंग के 3 स्टेप्स बताया गया है जिसको हम 3-tier सिस्टम भी बोलते हैं। फर्स्ट वन है बेसिक वोकैबुलरी, जो कि हम नॉर्मली विदाउट कुछ सीखे ही सिर्फ सुनते सुनते हम कर सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई स्कूल की जरूरत है, ना तो कोई हमें लर्निंग की जरूरत है। लर्निंग की जरूरत तो ऑफ कोर्स है, लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं, घर पे ही बात करते हैं, जैसे बेड हो गया, टीवी, चेयर, फैन, लाइट, पेन, पेंसिल, बुक्स, ये जो वेरी कॉमन चीजें जो हम लोग घर पे बात करते हैं या देखते हैं, उसी से जो है बेसिक वोकैबुलरी आ जाती है बच्चों में। दूसरा है हाई फ्रिक्वेंसी वोकैबुलरी और मल्टीपल नेमिंग वोकैबुलरी। मतलब ये सारी वर्ड्स जो है हमें एकेडमिकली सिखाई जाती हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जो कि थोड़े से हार्ड वाले शब्द रहते हैं, जो कि हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, जैसे बेनेवोलेंट, बुके, डिफाइंड। तो ये सारी वोकैबुलरीज जो है हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, और जिसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स रहते हैं, ग्रामेटिकल यूज रहते हैं, तो वो सारी चीजें जो है हाई फ्रिक्वेंसी वोकैबुलरी में आती है। ये सारे वर्ड्स जो है हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखते हैं या कंटेंट राइटिंग में लिखते हैं या फिर कोई बुक पढ़ के समझने के लिए उसे यूज किया जाता है। तीसरा है लो फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, मतलब जो कि कंटेंट स्पेसिफिक वर्ड है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड है, जैसे सैटेलाइट, आइसोटोप। सैटेलाइट सुन के आपको क्या लगा? आपको लग ही गया कि ये कोई फिजिक्स टाइप का है, ये कोई स्पेस रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो वेरी स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट वर्ड्स है, जो कि उसी सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हो, वो सारे वर्ड्स जो है आ जाते हैं आपके लो फ्रिक्वेंसी वोकैबुलरी में। यहाँ और भी चीजें इम्पोर्टेंट है वोकैबुलरी सीखने के लिए। कई कई बार बच्चे जो है वोकैबुलरी सीख नहीं पाते हैं, जितना भी एक्सपोजर क्यों ना करो। इसके कई रीजंस होते हैं, जैसे लो आईक्यू, मेमोरी पुअर होना। तो ये सारी जो चीजें हैं लैंग्वेज एक्सपोजर के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये सारी जो चीजें हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप को जब भी टाइम मिले बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बुक्स रीड करवाइए। अगर बच्चा खुद नहीं रीड कर पा रहा है तो आप उसको सुनाइए, उंगली दे देकर रीड कीजिए। अगर आपको बुक रीडिंग के बारे में टिप्स चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। इस पे मैंने एज स्पेसिफिक कुछ कुछ टिप्स दे रखी है बच्चों के बारे में, किस तरह से आप बुक रीडिंग को एनकरेज करवाएं, किस तरह से आप बच्चे को हेल्प करें बुक रीड करने के लिए। वोकैबुलरी और लैंग्वेज जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इन दोनों पे डिपेंडेंट है हमारा स्पीच प्रोडक्शन। ये दोनों, मतलब वोकैबुलरी और लैंग्वेज, जब तक अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती, स्पीच प्रोडक्शन नहीं होगी। जैसे ही वोकैबुलरी और रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है ब्रेन में रजिस्टर होना शुरू हो जाती है, वैसे ही स्पीच प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, या फिर एक्सप्रेशन, किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पॉइंटिंग, गेस्चर्स एंड फाइनली टू स्पीच। लेकिन अगर हियरिंग लॉस है बच्चे को या आईक्यू लेवल लो है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लगेगा, थोड़ा ज्यादा बात करने की जरूरत होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है स्पीच प्रोडक्शन के लिए, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब ये जो हम लोग जीभ को, जॉज को, लिप्स को हिला हिला के बात कर रहे हैं, वो चीज उसको जो बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। जो भी मूवमेंट होती है, सिर्फ ये चीज नहीं, हमारे हाथ पांव, हमारे गर्दन, ये सारा जो है मोटर डेवलपमेंट में आता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पीच प्रोडक्शन के लिए। और इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस या सिस्टमैटिक वे ऑफ टॉकिंग। और इस गाइडेंस के लिए आपको जाना है किसी भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास, ताकि बच्चे का असेसमेंट हो जाए, थेरेपी भी मिल जाए और आपको गाइडेंस भी। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों से बात करना ना भूले, एक्सपोजर देना ना भूले, बुक रीडिंग जरूर करें, ताकि बच्चे का वोकैबुलरी भी बढ़े और स्पीच भी बच्चे का अच्छे से आए।
अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूले, ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।